लोन अप्रूवल के लिए इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा मैंडेट है। अगर आप सैलरीड हैं तो बहुत ज़्यादा इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है। तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक सैलरी स्लिप, 3 महीने की सैलरी स्लिप नॉर्मली चाहिए होता है, और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, और 2 साल का फॉर्म 16 पार्ट ए पार्ट बी। अगर आपकी सैलरी फिक्स नहीं आ रही है, वेरिएबल है, किसी महीने ज़्यादा किसी महीने कम, किसी महीने ज़्यादा किसी महीने कम, तो 6 महीने की सैलरी स्लिप मांगी जाती है और 1 साल का बैंक स्टेटमेंट मांगी जाती है। फॉर्म 16 मैंडेट है। अगर आपके कंपनी के तरफ से फॉर्म 16 जनरेट नहीं हो रहा है या नहीं अलॉट दिया जा रहा है, तो फॉर्म 26 AS से भी काम चलाया जा सकता है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं सैलरीड प्रोफाइल के लिए। अच्छा, गुड़गांव और दिल्ली में देखा गया है कि कुछ लोगों की सैलरी कैश में आती है। देखिए, कैश में तो कोई कुछ भी कह सकता है, कुछ भी लिख सकता है, लेकिन नॉर्मल 20 से 25 हज़ार रुपये ही कंसीडर किया जाता है कैश सैलरी। और आज के डेट में अब कैश सैलरी बहुत कम ही जगह मिलते हैं, लगभग सभी जगह अब खाते में या बाई चेक से पेमेंट मिलने लग गए हैं। तो कैश सैलरी अगर आपकी मिल रही है और लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, खासकर होम लोन के लिए और बिज़नेस लोन के लिए, होम लोन के लिए, तो सैलरी सर्टिफिकेट तो चाहिए होगा, जिस पे एम्प्लॉयर लिख के दे कि मिस्टर XYZ हमारी कंपनी में इस पोस्ट पे वर्किंग है और इनको 20 हज़ार या 25 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही है हर महीने, तो वो सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। अच्छा, कैश सैलरी अगर आ रही है तो PL तो बड़ा मुश्किल मिलता है, कोई देता ही नहीं, कोई जल्दी दे के राजी नहीं है। अब कुछ कंपनियां आ गई हैं जो इस सेगमेंट में डील कर रही होंगी, वो मुझे नहीं मालूम है फ़िलहाल तक। अब बात करते हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेसमैन हैं, तो इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए। GST सर्टिफिकेट तो मेन है, ये चाहिए चाहिएगा। GST रिटर्न भी चाहिए अगर बहुत बड़ा बिजनेस है तो। अगर छोटा सा दुकान है, मैं आपको बता रहा हूँ, छोटा दुकान है, जैसे राशन की दुकान है, कोई सप्लायर हैं आप, तो GST सर्टिफिकेट के साथ साथ 3 साल का ITR विद कंप्यूटेशन चाहिए, प्लस प्रॉफिट लॉस चाहिए, प्लस बैलेंस शीट चाहिए। अगर आपका CA ITR को 44AD में फाइल किया है तो फिर प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, काम चलाया जा सकता है। लेकिन 26 AS भी चाहिए होगा अगर आप सप्लायर हैं, कुछ केसों में मांग लेते हैं 26 AS भी चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो भी काम चलाया जा सकता है। अच्छा, और बहुत बड़ा बिजनेस होता है तो ऑडिट रिपोर्ट भी मांग ली जाती है, नॉर्मली चाहिए होता है, मतलब सैलरी के लिए तो थोड़ा सा डॉक्यूमेंट है, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16 पार्ट ए पार्ट बी। अब सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन में GST सर्टिफिकेट, 3 साल का ITR विद कंप्यूटेशन, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट, GST रिटर्न भी चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट भी चाहिए, 3CA 3CB। अगर नहीं है तो क्या होगा? सेल्फ एम्प्लॉयड में अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो नेशनलाइज्ड NBFC या नेशनलाइज्ड बैंक होम लोन और बिजनेस लोन तो देती नहीं है। फिर उसके लिए वो आपके दुकान पे आते हैं, आपसे डिस्कस करते हैं और आपकी इनकम असेस्ट करते हैं, आपके कच्चे पक्के का बिल मिलाते हैं, कितने सप्लायर हैं, कितने कस्टमर हैं, कितने परमानेंट कस्टमर हैं, कितने परमानेंट सप्लायर हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट कितना है, स्टाफ का कॉस्ट कितना है, और बाकी सारी चीज़ें वो एनालाइज करते हैं। आप जो बताते हैं उसी बताए हुए अनुसार वो आपकी इनकम और एक्सपेंस रेशियो का एनालिसिस करते हैं, फिर वो इस पे पहुंचते हैं कि आपका बचत कितना है, आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, फिर आपकी इनकम कितनी है हर महीने, फिर उस इनकम के बेसिस पे आपका EMI पेइंग कैपेसिटी निकाली जाती है, फिर उस EMI के बेसिस पे आपका लोन बनाया जाता है। ये बहुत बड़ा गणित है,
जो बैकएंड में चलता है, जो क्रेडिट मैनेजर्स होते हैं वो सारे काम करते हैं। लेकिन कई बार देखते हैं जब हम पीडी पे जाते हैं ना क्रेडिट मैनेजर्स के साथ, तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन हैं वो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज़्यादा जब बढ़ा चढ़ा के बताते हैं या दिखाते हैं तो वो अपनी बातों में ही फंस जाते हैं, अपनी जाल में ही फंस जाते हैं। ऐसे कई केसेस देखे हैं मैंने, तो चीज़ों को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताने से या दिखाने से कुछ नहीं होना। क्रेडिट मैनेजर को सब कुछ पता हो रहता है और वो इतने केसेस सैंक्शन कर चुका होता है, डिसबर्स हो चुका होता है कि उसे अनुभव हो जाता है कि अच्छा ये बिजनेस है, इसमें ये काम होता है, इतना प्रॉफिट मार्जिन है। बस वो फॉर्मेलिटी के लिए जाता ही है, वो पीडी करने जाते हैं, वो हर केस पे वो जाते हैं, सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड केसेस में। तो दोबारा मैं रिकैप कर देता हूँ, अगर सैलरीड हैं तो 3 डॉक्यूमेंट, 3 महीने की सैलरी स्लिप, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट फॉर्म 16 पार्टी पार्ट बी। सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो जीएसटी सर्टिफिकेट, आपका आईटीआर विद कंप्यूटेशन, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट और ऑडिट रिपोर्ट, 3CA 3CB। अगर आपके पास ये नहीं है तो उसमें आईटीआर तो कम से कम 2 साल का चाहिए, जो 44AD में आईटीआर है तो चाहिए। फिर उसी हिसाब से आपकी इनकम देखी जाएगी, कच्चे पक्के का इनकम देख के आपकी इनकम असेस करके फिर आपका लोन बनाया जाएगा। ये होता है बेसिक। तो इन सब के अलावा भी अगर आपके मन में कोई उलझन है, कोई सवाल है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है, उस फॉर्म पे क्लिक कीजिए और आप डिटेल भर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।